इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लूटूथ क्या है और पीसी से मोबाइल या दो मोबाइल्स के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं, वो भी ब्लूटूथ से। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले तो सवाल ये है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी साल 1994 में इन्वेंट हुई थी और इसमें रेडियो ट्रांसमिशन की मदद से डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा केबल्स या वायर्स की जरूरत ब्लूटूथ में नहीं होती। आजकल हम कई डिवाइसेस को ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, ऑडियो हेडसेट, कैमरा, स्मार्ट वॉच और अब तो कार्स में भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आ गई है। पर ब्लूटूथ काम कैसे करता है? एक ब्लूटूथ प्रोडक्ट जैसे कि लैपटॉप में एक छोटा सा कंप्यूटर चिप होता है, जिसके ब्लूटूथ रेडियो और सॉफ्टवेयर की मदद से कनेक्ट करना आसान हो जाता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? देखिए, सबसे पहला तो ये कि इसमें केबल्स या वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दो डिवाइसेस अलग अलग कमरों में भी हो सकते हैं, 100 मीटर तक की रेंज हो सकती है। इसमें बिजली भी कम लगती है और ये सस्ता तरीका है डेटा ट्रांसफर करने का। पर ब्लूटूथ के कुछ नुकसान या इससे जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि अगर ब्लूटूथ ज्यादा समय तक ऑन रहा तो बैटरी की खपत बढ़ जाती है। हालांकि ब्लूटूथ कनेक्शन की स्पीड ठीक ठाक होती है, लेकिन इसकी रेंज और स्पीड दोनों नॉर्मल वाईफाई कनेक्शन से अक्सर थोड़ी कम होती है। ब्लूटूथ कनेक्शन हैक किया जा सकता है और इसमें कई बार वायरस आने का भी खतरा होता है। आजकल कई शॉपिंग मॉल्स में तो ब्लूटूथ एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन के जरिए आपके फोन पर खास डिस्काउंट या डील्स आती हैं। फोन तो मॉल में भी हमारे हाथ में ही होता है और हम उन डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिक्योरिटी के नजरिए से अगर आप देखें तो आप किसी भी व्यक्ति या अनजान सोर्स से कोई डेटा अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ द्वारा डाउनलोड करते हैं तो वायरस या मैलवेयर आने का खतरा भी होता है। इसलिए सिर्फ भरोसे के लोगों से ही ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफर एक्सेप्ट करिए और अपने फोन को मैलवेयर या वायरसेस से बचाइए। अब बातें बहुत हो गई, आइए सीख लेते हैं कि दो ब्लूटूथ डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं या कैसे पेयर करते हैं। यहाँ मैं आपको अपने सैमसंग नोट 4 और विंडोज 10 लैपटॉप को पेयर करने वाली हूँ। ये है मेरा डेस्कटॉप। आप देख सकते हैं कि अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में पहले से ब्लूटूथ है तो वो यहाँ पर अक्सर नीचे इस ट्रे में आ जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ब्लूटूथ हो पर वो ऑन ना हो। तो उसे ऑन कैसे करते हैं? यहाँ देखिए, ये देखिए नीचे ये विंडोज का आइकन है, इधर क्लिक किया और अब यहाँ पर इधर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये बहुत सारी अलग अलग एप्स और प्रोग्राम्स हैं जो मेरे कंप्यूटर में पहले से हैं। हमें जाना है सेटिंग्स पर। तो ये देखिए, ये है सेटिंग्स। हम सेटिंग्स पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं और अब यहाँ पर हमें जाना है डिवाइसेस पर। डिवाइसेस पर क्लिक किया और अब डिवाइसेस खुल गए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखें तो ब्लूटूथ है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और अब यहाँ पर लिखा है मैनेज ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो जब आप ब्लूटूथ को यूज़ करना चाहें आपको इसे ऑन करना होगा। अगर ये ऑफ होगा तो आप ब्लूटूथ को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये है मेरी स्मार्ट वॉच जिसका नाम है सर्ज। तो ये यहाँ पर दिख रही है क्योंकि इसमें पहले से ब्लूटूथ है और इसमें लिखा है रेडी टू पेयर, यानी कि ये ब्लूटूथ के सिग्नल्स दे रही है। इस वजह से मेरे लैपटॉप ने इसे डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको स्मार्ट वॉच को पेयर करना नहीं सिखाने वाली, मैं आपको मोबाइल पेयर करना सिखाने वाली हूँ। अब देखते हैं, ये नीचे देखिए ये एरो है, अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये आपको ब्लूटूथ ट्रे में दिख जाएगा। चलिए अब जाते हैं अपने मोबाइल पर और वहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा नोट 4। मैं यहाँ पर स्लाइड करके
और अपने ब्लूटूथ को ऑन कर देती हूँ। ये देखिए, इधर ये ब्लूटूथ का आइकन है, आप ब्लूटूथ पर क्लिक करके इसे एनेबल कर सकते हैं। और अब ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ब्लूटूथ हमारे मोबाइल में ऑन हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉपअप सा खुल गया है, वो बोल रहा है ये है आपका डिवाइस, और अगर आप इस डिवाइस को दूसरे डिवाइसेस को विजिबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसका क्या मतलब, देखिए जब हम इसे टिक करेंगे तो जो आसपास के ब्लूटूथ डिवाइसेस होंगे वो इसे डिटेक्ट कर पाएंगे, उन्हें समझ आ जाएगा कि उनकी रेंज के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस है। और आप देख सकते हैं नीचे है पेयर्ड डिवाइस, तो मेरी जो सर्च स्मार्ट वॉच है वो पहले से मैंने इस फ़ोन के साथ पेयर की हुई है, इसलिए मुझे यहाँ पर पेयर्ड दिखा रहा है। हम इस जगह पर क्लिक कर देते हैं, तो अब 2 मिनट तक हमारा जो फ़ोन है वो आसपास के सभी डिवाइसेस को दिखेगा और वो उन्हें डिटेक्ट भी कर पाएंगे। आप ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये मेरे लैपटॉप के अंदर मेरा फ़ोन अब आ रहा है। हमें 2 मिनट के अंदर अंदर इसे पेयर करना है, वरना ये चला जाएगा। चलिए हम इधर क्लिक कर देते हैं और अब पेयर पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, अब वो आपको बोल रहा है कंपेयर द पासकोड्स, डज द पासकोड ऑन एकता श्याम नोट 4 मैच दिस वन। इसका मतलब बिल्कुल यही पासकोड आपके फ़ोन पर दिख रहा होगा, अगर ये मैच करता है तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप पर यस क्लिक कर देती हूँ और फिर अपने मोबाइल पर ओके क्लिक कर देती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा जो लैपटॉप है जिसका नाम है ASK, वो हमारे फ़ोन के साथ पेयर हो गया। अब एक और बात आपको बतानी ज़रूरी है, ये रही मोर ब्लूटूथ ऑप्शंस, यहाँ पर क्लिक किया, ये हमारी ब्लूटूथ की सेटिंग्स आ गई। अब ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट से ऑफ रहता है, अगर आप चाहें तो आप इसे ऑन रख सकते हैं और बाकी के जो ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो इस PC को खोज पाएंगे और देख पाएंगे कि उनकी रेंज में कोई ब्लूटूथ डिवाइस है, तो हम इसे टिक ही रहने देने वाले हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। चलिए, अब हमने अपना मोबाइल और हमारा लैपटॉप पेयर कर लिया। अब लैपटॉप और मोबाइल तो पेयर हो गए, अब सीख लेते हैं कि PC से मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। मैं यहाँ एक पिक्चर को अपने मोबाइल से PC में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपकी फाइल का साइज बड़ा होगा तो डेटा ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा समय लग सकता है। चलिए, ये रहा मेरा फोल्डर, मैं इस पर क्लिक करके और अपनी पिक्चर्स में चली जाती हूँ। ये रही मेरी पिक्चर्स और ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। ये है एक पिक्चर जो मैंने जोगजकर्ता में ली थी और मैं इस फोटो को अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। चलिए, अब हम इसे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। अब ये रहा मेरा लैपटॉप, मैं यहाँ पर नीचे क्लिक करके और ब्लूटूथ खोल लेती हूँ और उसके बाद ये डब्बा सा खुल गया। अब मैं सेंड अ फाइल पर क्लिक कर देती हूँ, अब एक पॉपअप सा आ जाता है और ये रहा मेरा वो फ़ोन जो मैंने अभी अभी अपने PC के साथ पेयर किया था, तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ। और फिर यहाँ पर मुझे फ़ाइल नेम टाइप करना होगा, पर मुझे फ़ाइल का नाम याद नहीं, तो मैं ब्राउज पर क्लिक करके और अपनी फ़ाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर ओपन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये मेरा फ़ाइल का नाम अपने आप यहाँ पर आ गया और अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी जो फाइल है ये ब्लूटूथ द्वारा मेरे मोबाइल पर ट्रांसफ़र हो रही है और यहाँ पर मुझे प्रोग्रेस दिखेगी कि ये फ़ाइल कितनी ट्रांसफ़र हो गई है। और साइमल्टेनियसली इसी समय मेरे मोबाइल पर मुझे एक अलर्ट आया है कि ये वाली फ़ाइल जो है ASK कंप्यूटर हमें ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो हम एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए, वो बोल रहा है फाइल विल बी रिसीव्ड। आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो ये आपको इसकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल कितनी रिसीव हो चुकी है। तो फिलहाल ये लगभग 30% रिसीव हो चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर फाइल बड़ी होगी तो समय ज़्यादा लग सकता है। तो आप इस तरह से कोई भी वीडियो या इमेजेस या एप्स भी अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए प्रोग्रेस बार में दिख रहा है कि इस समय कितनी फाइल ट्रांसफ़र हो गई है। अब लगभग 10% ही बचा है ट्रांसफ़र। और ये देखिए, ये जो है फाइल ये रिसीव हो गई। अगर आप चाहें तो आप इस पर क्लिक करके और इसे देख भी सकते हैं। हम गैलरी से इसे खोल लेते हैं। ये देखिए, ये वही इमेज है जो मेरे पीसी पर थी और अब ये मेरे मोबाइल पर आ गई है। और अब मैं फिनिश पर क्लिक कर देती हूँ। तो देखा आपने, पीसी से मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र कितना आसान है। अब दो मोबाइल्स के बीच में अगर डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो कैसे करें? यहाँ मैंने सैमसंग नोट 4 और सैमसंग गैलेक्सी S3 यूज़ किया है। ये दोनों एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। अब ये रहा मेरा सैमसंग नोट 4 और ये है मेरा सैमसंग गैलेक्सी S3। अब मैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन पहले मुझे देखना है कि ब्लूटूथ दोनों में इनेबल है या नहीं। चलिए यहाँ नीचे गए, इस फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन है, और यहाँ गए तो भी ब्लूटूथ ऑन ही है। और अब हम ब्लूटूथ द्वारा कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे कि हम कोई ऐप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। ये मैंने ऐप पहले से इंस्टॉल की हुई है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए ये ES फाइल एक्सप्लोरर पर गए और यहाँ पर देखिए, ये है होम पेज। यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि इमेजेस, म्यूज़िक, मूवीज़ वगैरह वगैरह। हमें जाना है ऐप पर, तो मैं ऐप पर क्लिक कर देती हूँ और ये मेरी सारी की सारी ऐप्स आ गई जो मैंने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल की हुई हैं। अगर कोई ऐसी ऐप है जिसे आप ब्लूटूथ द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो कैसे शेयर करें? ये देखिए, ये है डब स्मैश, जो एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है आजकल। उस पर मैं क्लिक करके इसे शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर इधर क्लिक किया और अब इसे ऐसे घसीट करके ऊपर शेयर के आइकन के पास ले गए। और जैसे ही लेकर गए तो ये एक ट्रे से खुल गई और वो हमसे पूछ रहा है कि आप किस तरह से इस ऐप को शेयर करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर ब्लूटूथ पर क्लिक कर देती हूँ और अब वो जो है स्कैन कर रहा है और देख रहा है कि कौन कौन से डिवाइसेस इस समय उपलब्ध हैं। तो फिलहाल मैंने अपने दोनों मोबाइल्स को जो है पेयर नहीं किया था, इसलिए मुझे अपना दूसरा फ़ोन दिख नहीं रहा। अगर मैं स्कैन पर क्लिक करती हूँ तो भी कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब मुझे पहले जा कर के अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की सेटिंग्स को चेंज करना होगा। चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये आ गई मेरी ब्लूटूथ की सेटिंग्स। और यहाँ पर फिलहाल मेरा फ़ोन दूसरे डिवाइसेस को विजिबल नहीं है। यहाँ लिखा है नॉट विजिबल टू अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस। इसलिए ये मेरे नोट 4 में जब मैं स्कैन कर रही हूँ तो नहीं दिख रहा। मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ और देखिए, अब यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये डिवाइस आता है या नहीं। ये देखिए, ये मेरा फ़ोन आ गया। अब हम वापस जाते हैं और दोबारा से ब्लूटूथ द्वारा अपनी ऐप को शेयर करने की कोशिश करते हैं। और ये वापस से हम ऐप्स में आए और ये डब स्मैश को मैंने क्लिक करके इसे ऊपर घसीटकर शेयर के ट्रे में मैं इसे ले गई और अब ये खुल गया। अब मैं ब्लूटूथ पर क्लिक कर देती हूँ
और अब ये दो फोन मेरे पहले से पेड हैं, तो मैं इधर क्लिक कर देती हूँ। और ये देखिए वो बोल रहा है सेंडिंग फाइल। यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है कि आपको ये वाला फ़ोन ये फाइल भेजना चाहता है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो हम एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं और ये फाइल जो है ये देखिए ये हमारे फ़ोन में आ रही है। ये देखिए यहाँ पर हमें इसका स्टेटस दिख रहा है और ये फाइल हमारे स्टोरेज में एसडी कार्ड में सेव हो रही है। फिलहाल ये लगभग 30% हो चुकी है सेव। और जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ बड़ा होगा तो इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप दोस्तों के बीच में हैं या परिवार के लोग हैं और आप उन्हें कोई जोक भेजना चाहते हैं, कोई वीडियो भेजना चाहते हैं, बड़ा सा वीडियो है, आपको लगता है कि आपके डेटा की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आप क्लोज रेंज में उन्हें ब्लूटूथ द्वारा वो डेटा, वीडियो, मूवी या क्लिप जो भी है, गाना, उसे आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए बोल रहा है ब्लूटूथ शेयर रिसीव्ड, तो हम इसे क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए ये हमारी ऐप जो है ये बेस एपीके ये आ गई, इसे हम क्लिक कर देते हैं। और अब वो हमें बोल रहा है कंप्लीट एक्शन यूजिंग, तो हम पैकेज इंस्टॉलर पर क्लिक करके और इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले से इस ऐप का कोई वर्जन था, इसलिए वो मुझे रिप्लेस एप्लीकेशन बोल रहा है, लेकिन अगर पहली बार आप इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये प्रॉम्प्ट आपको नहीं आएगा। चलिए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए वो बोल रहा है डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, तो हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। और ये ऐप अब हमारे मोबाइल में ब्लूटूथ द्वारा आ भी गई और हमने इसे इंस्टॉल भी कर दिया। चलिए डन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये रहा हमारा ब्लूटूथ, ये अभी फ़िलहाल ऑन ही है। तो देखा आपने ब्लूटूथ द्वारा डिवाइस को पेयर करना और डेटा भेजना कितना आसान है। आप बस कुछ ही मिनट्स में किसी के साथ भी ब्लूटूथ द्वारा डेटा ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ, उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आपने सीख लिया है कि ब्लूटूथ क्या है और ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।